Welcome to all the UP Board Class 12th students. Today, I have brought a very important essay for you all students, that is on COVID-19. COVID-19 is a बहुत ही important essay है UP Board के Class 12th के लिए. So, चलिए आइए शुरू करते हैं. बच्चों, मैंने इसमें सबसे पहले वो सारे शब्द दिए हैं जिनको आपको याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं शब्दों का यूज़ पूरे ऐसे में किया गया है. और साथ ही आप सभी के लिए मैंने साइड में ये रेक्टेंगल के अंदर सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं जिन पर ये ऐसे चलेगा. तो आप इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए. और बहुत अच्छा होगा अगर आप पूरे ऐसे को नोट डाउन कर लें. बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करके ये ऐसे आप सभी के लिए प्रिपेयर किया गया है. तो चलिए अब हम अपने ऐसे की ओर बढ़ते हैं. देखिए, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, और फिर कॉमन सिम्टम्स और सीरियस सिम्टम्स के बारे में बताया गया है. इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन फॉर द नर्स और केयर टेकर, मतलब जो भी पेशेंट का इलाज कर रहा है या उसकी केयर कर रहा है, उसके लिए डॉक्टर्स क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको डिस्कस किया गया है. तीन पॉइंट्स हैं बच्चों इसमें, तो आप लोग आसानी से इसको देखिए. मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्या किया है, इसमें सेम टाइप के वर्ड्स ही यूज़ किए हैं, तो आपको याद करने में ये बहुत आसान होगा. और पांचवी हेडिंग है ट्रीटमेंट. तो अब आपको क्या करना है कि इन सारी हेडिंग्स को अच्छे से याद करना है. ठीक बेटा, इसमें ये बताया गया है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का खाना कैसा होना चाहिए. खाने के साथ उसे सूप, फ्रूट्स, गर्म पानी जैसी चीज़ें देनी चाहिए, और साथ में काढ़ा देना चाहिए. इसके साथ उसे योगा और प्राणायाम भी करना चाहिए. इसके बाद आता है प्रिवेंशन, माने हमें बचाव क्या करना चाहिए. कहा जाता है बचाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए एक लाइन लिख करके दिया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. ठीक है, इलाज से अच्छा बचाव होता है. और इसमें मैंने वी शुड मतलब चाहिए ऐसा सेंटेंस बनाया कि वी शुड वॉश आवर हैंड, वी शुड यूज़ सैनिटाइज़र. इस तरह वी शुड यूज़ करके सेंटेंस बनाए गए हैं, जिससे आपको इन्हें याद करने में बहुत आसानी होगी. इसके बाद आता है वैक्सीन. वैक्सीन मतलब जो दवा तैयार की गई है, और ये भारत के द्वारा तैयार की गई है, जिसे सबको लगाया जा रहा है. इसके बाद आपकी कॉन्क्लूजन आता है, और इसमें अंत में देखिए, दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी, इसको मैंने सेट किया है. और इस कॉन्क्लूजन में क्या लिखा है, दस वी कैन से दैट कोरोना वायरस इज़ अ वेरी डेंजरस डिसीज़. मतलब कोरोना वायरस बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है. वी शुड फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑफ डॉक्टर्स. डॉक्टर्स ने जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर फैमिली टू. हमें अपनी और अपनी फैमिली दोनों की बहुत ही उनका ध्यान रखना चाहिए. वी शुड ट्राई टू वर्क फ्रॉम होम, और हमें अपने घर पर रहकर ही काम करने की कोशिश करनी चाहिए. अंत में दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी करके आप इसे कॉन्क्लूड करेंगे. स्टूडेंट्स, ये था आपका कोरोना वायरस, कोरोना के ऊपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ईजी ऐसे. आप इसे याद कीजिए और ट्राई कीजिए कि अच्छे से इसे एग्ज़ाम में लिख भी पाएँ. आशा करती हूँ आपके लिए ये ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा.